अगर आपके बिग टो यानी कि पैर के अंगूठे में दर्द हो रही है या फिर कहीं आपके स्मॉल जॉइंट्स या फिर आपकी कोहनियों में या आपके रिस्ट जॉइंट में पेन हो रही है तो ये गाउटी आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। गाउटी आर्थराइटिस यानी कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाला आर्थराइटिस। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि यूरिक एसिड एंड गाउट का क्या रिलेशन है और कैसे ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। इस वीडियो में आपको मैं इन डेप्थ नॉलेज दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें करने से आप अपने यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं और कौन सी कंडीशन में आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए वीडियो को अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। जो यूरिक एसिड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटी के दौरान पैदा होता है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो बनती रहती है और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है। गाउटी आर्थराइटिस यानी कि गाउट वाला आर्थराइटिस तब हमारी बॉडी में अपीयर होता है जब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, यानी कि कभी सेलुलर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो या फिर हम कुछ ऐसा खाने लगे जिससे कि यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाए या फिर इसकी एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाए, यानी कि वो बॉडी से निकलना कम हो जाए। इन दोनों ही सूरतों में यूरिक एसिड जो है वो लेवल बढ़ जाते हैं। एक तरफ तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि यूरिक एसिड जो लेवल है वो हाई हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सब कुछ नॉर्मल भी खा रहे हैं तो कुछ किडनी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस जिसके कारण इसकी एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से नहीं हो रही, उससे भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब ये दोनों कंडीशंस में यूरिक एसिड लेवल जो बढ़ जाता है वो हमारे जॉइंट्स में जाके अकुमुलेट होने लगता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो हमारे जॉइंट्स में जाके अकुमुलेट होने लगते हैं, जमने लगते हैं, जिसके कारण हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं या फिर वो पेनफुल हो जाती हैं। इसी कंडीशन को हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, हाई यूरिक एसिड लेवल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया और दूसरा है सिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। एसिम्प्टोमेटिक केसेस में यूरिक एसिड का लेवल तो बढ़ता है पर उसमें यूरिक एसिड के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन अपीयर नहीं होती, यानी कि कोई भी जॉइंट पेन नहीं होता या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर सिम्प्टोमेटिक केसेस में जॉइंट पेन्स जैसी प्रॉब्लम्स देखने को पेशेंट्स में मिल जाती हैं। पर जब भी हम ऐसी कंडीशन को डायग्नोस करते हैं तो इसको ट्रीट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम से और बीमारियां बनने की संभावना होती है, जो कि हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं यूरिक एसिड के हाई रिस्क के बारे में। दोस्तों, सिम्टम्स से पहले मैं उन फैक्टर्स को आपको बताना चाहता हूँ जिनमें यूरिक एसिड लेवल हाई होने के चांसेस वैसे रहते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है वो हमारी डाइट होती है। हम क्या खाते हैं ये डिसाइड करता है कि हमारा यूरिक एसिड लेवल कितना होगा। इनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर जो कॉज है वो हमारी डाइट का है। रेड मीट खाने से, अल्कोहल के कंजप्शन करने से और साथ ही साथ फ्रक्टोज युक्त अल्कोहल ड्रिंक्स लेने से, जैसे कि स्वीट बेवरेजेस जो होती हैं उनको लेने से यूरिक एसिड लेवल हाई हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको मैं मेल और फीमेल पेशेंट में कंपैरिजन करके बताता हूँ कि मेल पेशेंट्स में यूरिक एसिड लेवल हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स का जो यूरिक एसिड लेवल है वो बिफोर मीनोपॉज कुछ लोअर लेवल तक रहता है, बट आफ्टर मीनोपॉज ये लेवल मेल्स और फीमेल्स में बराबर हो जाता है। आफ्टर मीनोपॉज यानी कि पीरियड्स के स्टॉप होने के बाद मेल्स और फीमेल्स दोनों ही सेम रिस्क लेवल पर होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। इसके साथ हमारी ओबेसिटी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकती है, उसके कारण हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। और साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनसे हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, जैसे कि कुछ डाययूरेटिक्स,
इनको कंजप्शन करने से यूरिक एसिड लेवल जो है वो हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि ये हमारे यूरिक एसिड लेवल को बॉडी में निकलने से रोकती हैं। और साथ ही साथ वो पेशेंट्स जो कि कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं उनमें भी यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने के रिस्क देखे गए हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में यूरिक एसिड लेवल जो है वो एलिवेट मिलता है। यूरिक एसिड लेवल किडनी डिजीज़ में हाई इसीलिए मिलता है क्योंकि पेशेंट्स की जो नॉर्मल एक्सक्रीशन सिस्टम है, बॉडी से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो प्रोडक्ट्स किडनी के नॉर्मल फंक्शन ना करने से बॉडी में ही रह जाते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है। यूरिक एसिड लेवल के हाई होने से कौन से सिम्टम आते हैं? गाउटी आर्थराइटिस इसका दूसरा नाम है। तो आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में स्वेलिंग, ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है गाउटी आर्थराइटिस में। और दोस्तों इसमें इंटेंस पेन होती है, इतनी ज़्यादा पेन होती है कि पेशेंट अनटॉलरेबल पेन फेस करनी पड़ती है। और इस पेन की जो लोकेशंस होती हैं वो ज़्यादातर बिग टो यानी कि पैर के अंगूठे में होती है, जिसके कारण गाउटी आर्थराइटिस को डायग्नोस करना बहुत आसान हो जाता है। हम जब भी किसी पेशेंट के अंगूठे में पेन देखें, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखा रहा हूँ कि इस पोजीशन पे अगर पेन हो और साथ ही साथ रेडनेस हो, तो ये टिपिकली गाउटी आर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन हो सकती है। और साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ बिग टो में हो, ये हमारे बॉडी के और जॉइंट्स में, यानी जैसे कि रिस्ट जॉइंट्स, हमारे एल्बो जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स और नी जॉइंट्स में भी पेन हो सकती है, क्योंकि जब भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे इन जॉइंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है और साथ ही साथ एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होने लगती है जॉइंट्स की, यानी कि जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं होती, जिसके कारण पेशेंट को पेन होने लगती है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे आउटकम्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जो कि गाउटी आर्थराइटिस के साथ लिंक तो नहीं है, पर हाई यूरिक एसिड लेवल में ये अक्सर हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, वो है यूरिक एसिड स्टोन्स। दोस्तों कई बार यूरिक एसिड लेवल हाई होने के कारण ये क्रिस्टल्स जो है वो हमारी स्टोन किडनीज में जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसके कारण हमारी किडनीज में भी स्टोन फॉर्मेशन होने लगती हैं, यानी कि रीनल स्टोन की प्रॉब्लम भी यूरिक एसिड के कारण होती है। तो ऐसे स्टोन्स जो हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स कहे जाते हैं। तो ये एक सेकेंडरी सिम्टम है हाइपर यूरिसीमिया का, जिसको कि हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर पेशेंट में जॉइंट पेन्स नहीं भी हो रही तो भी हाइपर यूरिसीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हाई लेवल है तो उसको ज़रूर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप रीनल स्टोन्स होने का खतरा पेशेंट में कम करते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए जो सबसे इजी तरीका इंडिया में है वो है ब्लड टेस्ट। दोस्तों आप किसी भी लेबॉरेटरी में जाकर आप अपने यूरिक एसिड लेवल का एस्टिमेशन करवा सकते हैं। यूरिक एसिड लेवल की जो है ले रेंज मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, इन रेंज में होने तक हो तो हम यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल रेंज में मानते हैं। पर साथ ही साथ एज फैक्टर जो है फीमेल्स में ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ये हम आपका यूरिक एसिड लेवल इन रेंज से ज़्यादा है तो आपको यूरिक एसिड लेवल के लिए कम करने की मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है फ्लूड टेस्ट। डॉक्टर आपके इन्फ्लेम्ड जॉइंट में, जहाँ पे जिस जॉइंट में सूजन है, उस जॉइंट से आप नीडल से आपके वहाँ से फ्लूड विड्रॉ करता है, और उसको फ्लूड को एग्जामिन करने से उस फ्लूड में क्रिस्टल्स मिलते हैं यूरिक एसिड के। वो भी एक डेफिनेट तरीका है जिससे कि हम पता चल करा सकते हैं कि यूरिक एसिड लेवल हाई है। एक्सरे एंड कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स तो नहीं बने। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड या फिर आपने गाउटी आर्थराइटिस को डायग्नोस कर सकते। वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को गाउटी आर्थराइटिस है तो उसका कैसे इलाज करना चाहिए। दोस्तों गाउटी आर्थराइटिस में जो फर्स्ट ड्रग जो यूज़ की जाती है वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि गाउटी आर्थराइटिस की सूजन को कम करती हैं।
बहुत से पेन किलर्स हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि गाउट के जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो सकती है। ये दवाइयां जो सिम्टोमेटिक केसेस गाउट या आर्थराइटिस के हैं, यूरिक एसिड के हैं, उनको देते हैं। और साथ ही साथ इनमें कोल्चिसिन एक ड्रग है जो कि गाउट या आर्थराइटिस के एक्यूट अटैक को रोकने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये डॉक्टर्स जो रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं, जो बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपके लिए कोल्चिसिन को यूज़ करते हैं जिनसे कि गाउट या आर्थराइटिस के जो अक्यूट केसेस हैं, अक्यूट फ्लेयर अप्स हैं, वो कम हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टीरॉयड्स मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं इस जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। यहाँ पे जो उन पेशेंट दो पेशेंट्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक तो वो जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्यूट सिम्टम्स आए हुए हैं, जिनको एकदम से बहुत सी पेन हो रही है जॉइंट्स में, उनका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से किया जाता है। और वो पेशेंट जिनमें यूरिक एसिड लेवल तो हाई है बट सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं हुए, उनमें इन मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। तो उनके लिए हम हाई यूरिक एसिड लेवल पर उनमें सिम्टम्स नहीं है, उनके लिए हम एलोप्यूरिनोल और फेबिक्सोस्टेट जैसी मेडिसिन यूज़ करती हैं। ये मेडिसिन जो हैं वो आपके बॉडी में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड को कम करती हैं। मैं आपसे एक और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ बात कि इन जो यूरिक एसिड लेवल कम करने वाली मेडिसिन हैं ये भी दो तरीके से काम करती हैं। एक तो आपकी बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को वैसे ही कम करती हैं, और दूसरी मेडिसिन ऐसे करती हैं कि वो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड लेवल की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड लेवल है उसको जल्दी से बाहर निकालने का काम वो मेडिसिन करती हैं। इन दोनों तरीकों से आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है। ये सब बातें थी गाउट या आर्थराइटिस के बारे में कि कौन कौन से कारणों से गाउट या आर्थराइटिस और हाइपरयूरिसीमिया के केसेस पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ वो कौन से लक्षण हैं जिनसे आप इसकी पहचान कर सकते हो, और इसका ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर कैसे करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको ब्रीफ में नॉलेज दी। तो ये सब बातें उम्मीद है आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल होंगी। अगर ये बातें आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा के जाइए। दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गाउट या आर्थराइटिस में हमें नहीं खानी चाहिए जिनसे आपका यूरिक एसिड लेवल हाई हो सकता है, उसको डिस्कस करूँगा। ये एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आना चाहता हूँ, तो उम्मीद है आप उस वीडियो को भी अपना प्यार दोगे। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।